हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रेयस भाटिया और आप देख रहे हो भाटिया स्टैंडिंग इन कंसल्टेंसी। और अब जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारी फिजिकल क्लासेस अब स्टेप बाय स्टेप शुरू हो चुकी है, बट फिर भी कोविड के सारे नॉर्म्स हमें फॉलो करने ही हैं और उसमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब दोस्तों, मास्क लगाने के बाद कितना चिल्लाना पड़ता है ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो हमारे वोकल कॉर्ड्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन ये चक्कर में आ रहा है और स्टूडेंट्स को ऑडिबिलिटी होनी चाहिए, उनको सुनाई देना चाहिए हम जो पढ़ा रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट हमें चिल्लाना ही पड़ रहा है क्योंकि मास्क भी हमें पहनना है। तो उसके लिए अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो चलिए फिर बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं। अब जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि अगर आपको स्पीकर यूज़ करना है तो एक तो स्पीकर सिस्टम आपके क्लासरूम में इंस्टॉल चाहिए, मगर बहुत से क्लासरूम्स या बहुत से ट्यूशंस या स्कूल्स ऐसी है जहां पर माइक सिस्टम इंस्टॉल नहीं है हर एक क्लास में, जिसके वजह से आपको चिल्लाना ही पड़ता है। तो आपको एक पर्सनल ऑडियो सिस्टम लेना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूँगा आज तीन चीज़ें। सबसे पहला है आहूजा का ही NPA 15 मॉडल, जिसके बारे में हम आने वाले सेशन में और भी देखेंगे, डिटेल में उसको प्रोडक्ट रिव्यू भी करेंगे। उसके बाद उसी का एक एडवांस्ड होता है जो है आहूजा का ही NPA 20 DP। अब ये 20 DP में एडिशनल क्या आता है आपको, तो USB आता है और SD कार्ड उसमें रन होता है। मतलब ही वो स्पीकर जो आता है आपको, तो उसे आप एज पोर्टेबल ऑडियो सिस्टम भी यूज़ कर सकते हो। और तीसरा है आहूजा का ही वायरलेस माइक, जिनको वायर्ड माइक नहीं चाहिए वो वायरलेस माइक भी ले सकते हैं। कॉस्टिंग में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और अराउंड 2700 का आपको NPA 15 मिलेगा, उसके बाद 3200 के आसपास आपको NPA 20 DP मिलेगा, और ऑलमोस्ट 5000 तक आपको वायरलेस वाला माइक मिल जाएगा। तो इसका बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा है और प्रोडक्ट भी काफ़ी बेहतरीन है। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं NPA 15 का रिव्यू। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है आहूजा का नेक बैंड PA सिस्टम, दैट इज पर्सनल ऑडियो सिस्टम NBA 15। अब दोस्तों NBA 15 ये प्रोडक्ट मैं पिछले 2-3 सालों से यूज़ कर रहा हूँ और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। चलिए मैं इसे ओपन करता हूँ। अब दोस्तों सबसे पहले आपको इस तरीके का एक इसमें माइक आता है। अब यहाँ पर ये माइक किस तरीके से इंस्टॉल करना है चलिए ये देख लेते हैं। तो आपको ये माइक आपके हेड पे इस तरीके से बैक से लगाना है और कान के ऊपर इस तरीके से इसे पोस्ट कर देना है। तो कान के ऊपर से ये यहाँ पर रहेगा और ये माइक आपके मुंह के पास चाहिए, ठीक है। और ये वायर काफ़ी लंबी होती है, तो ये आप जो आपका ये स्पीकर आता है, ये स्पीकर में काफ़ी सारे बटन्स दिए हुए हैं। सबसे पहले ये ऊपर जो दिया हुआ है ये इसे ऑन ऑफ करने वाला बटन है, और उसके बाद वॉल्यूम वाला भी बटन है। अब जैसा जैसा इसकी चार्जिंग कम होते जाती है वैसा वैसा इसका वॉल्यूम कम होते जाता है, तो इसके वजह से इसका वॉल्यूम आपको मैनेज करना पड़ता है लाइव सेशंस में। अब ये चलता है ऑलमोस्ट 5.5 से 6 घंटे, जब नया था तब 7-8 घंटे भी चल जाता था, बट जैसा जैसा मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ इसका बैटरी बैकअप कम होता जा रहा है। और ये बाय डिफॉल्ट बैटरीज का हमें पता ही है कि उनका परफॉर्मेंस स्टेप बाय स्टेप कम होते जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका ये सबसे पहले चार्जिंग पॉइंट है, उसके बाद ऑडियो इन ऑडियो आउट वाला बटन है। अब माइक इन वाले पे मैंने ये प्लग इन कर देना है, ठीक है। उसके बाद बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये दो हुक दिए हुए हैं, बैंड्स दिए हुए हैं, जिन पर आप ये बेल्ट लगा सकते हो। अब ये बेल्ट से आप एक तो आपके गले में इस तरीके से रख सकते हो ये माइक, या फिर आपके बेल्ट पे कमर में लगा सकते हो। अब जनरली मैं कमर में लगाना पसंद करता हूँ इसे, ठीक है। और उसी के साथ आपको आ जाता है इसका चार्जर भी। अब चार्जर आप चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये हो गया इसके साथ क्या क्या आता है। अब चलिए देखते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी। तो मैं इसे ऑन करता हूँ। अब देखिए दोस्तों कितने अच्छे से इसका वॉल्यूम आपको सुनाई दे रहा है, कितना बड़ा वॉल्यूम है इसका। तो ये ऑलमोस्ट 6200 लोगों के बीच में, 6200 स्टूडेंट्स के बीच में अगर आपकी ऑडियंस है तो बड़े ही आराम से आप इसके थ्रू पढ़ा सकते हो। चलिए मैं इसे करता हूँ क्लोज। देखिए ये फुल वॉल्यूम है, तो इसका फुल वॉल्यूम की तो रिक्वायरमेंट है नहीं। तो चलिए मैंने इसे आपको रिव्यू भी करके दिखा दिया, और ये प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। तो इसका परफॉर्मेंस मुझे आज तक काफ़ी अच्छा मिला है दोस्तों, और मेरे सेशंस में मैं कई बार इसे ही यूज़ करता हूँ, सो दैट जब मैराथन लेक्चर्स होते हैं 8-10 घंटे पढ़ाना होता है तब गले पे स्ट्रेन बिल्कुल नहीं आता। दोस्तों गला ही हमारी एसेट है, गला ही हमारी ताकत है ऑनलाइन पढ़ाने के लिए या फिर फिजिकल पढ़ाने के लिए।
तो फिजिकल पढ़ाने में अगर मास्क आप लगाते हो तो काफ़ी स्टूडेंट्स को सुनाई नहीं देता है, तो उसके लिए आपको इंश्योर ये करना है कि आपकी आवाज़ सब तक पहुँचे और आपका गला भी सही रहे। और इसके वजह से मैंने सोचा कि आज ये वीडियो बना देता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा है। ये प्रोडक्ट लिंक्स मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है, तो अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, सो दैट इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक हमेशा पहुंच जाए करें। थैंक यू।